इस सेशन के अंदर हम काउंट ए के फंक्शन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। काउंट ए बेसिकली कुछ हद तक बेहतर है काउंट के फार्मूला से। काउंट के फार्मूला में हमने देखा था कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, डेसिमल, डेट एंड टाइम को काउंट कर सकता था, टेक्स्ट को नहीं गिन सकता था, एरर और स्पेस को नहीं गिन सकता था। काउंट ए का फार्मूला में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो टेक्स्ट को भी काउंट कर सकता है, लेकिन वो स्पेस और एरर को भी बेसिकली वो काउंट कर लेता है, वो सिर्फ स्पेस को काउंट नहीं कर सकता। तो हम इस फार्मूले को चेक करते हैं, इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, हमने अपने तमाम डाटा को रेंज में दिया जो रॉ वन पे अवेलेबल है, एंड देन हमने एंटर किया। तो इसने हमें बताया कि यहाँ पर 3 वैल्यूज लिखी हुई हैं इस रेंज के अंदर, और उसने हमें 3 नंबर्स के जरिए उसे रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली अब मैं चेक करता हूँ कि अगर 0 वैल्यू है तो भी वो काउंट करता है, नेगेटिव वैल्यू है तो भी काउंट कर सकता है, डेट और टाइम अगर मिल रहे हैं तो भी काउंट कर लेता है, डेसिमल्स के अंदर वैल्यू है तो भी काउंट कर लेता है। नहीं काउंट कर पा रहा है तो क्या नहीं कर पा रहा, सिर्फ हमारे पास अगर स्पेस ब्लैंक है तो वो उसे टेक्स्ट उस एरिया को काउंट नहीं कर पा रहा, टेक्स्ट को काउंट कर पा रहा है, और हमारे पास जो एरर अगर है तो उसकी भी काउंटिंग वो कर रहा है। तो काउंट ए इट्स मच बेटर टू काउंट फार्मूला बिकॉज के वो हमें टेक्स्ट और एरर की काउंटिंग करके भी एक्चुअल के अंदर बता रहा होता है। एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी स्टूडेंट की डेटाबेस है और इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स बेसिकली जिन्होंने एग्जाम्स अटैम्प्ट किए हैं, और मुझे ये मालूम करना हो कि एक्चुअल में कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स अटैम्प्ट किए हैं। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल कि वो पास हैं फेल हैं या उनका स्कोर क्या है, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट इस बात में है कि कितने लोग पार्टिसिपेट हुए थे बेसिकली एग्जाम्स के अंदर। तो अगर मुझे देखना हो कि अलैन ने बेसिकली कितने एग्जाम्स अटैम्प्ट किए, तो फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन। अब हम काउंट ए का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज के यहाँ पर टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल एरिया होता जहाँ पर स्कोर अगर 1, 2, 3 होता तो डेफिनेटली हम वो काम काउंट से कर सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर वो किसी एग्जाम्स को उन्होंने अटैम्प्ट किया बट समहाउ वो उसे क्लियर नहीं कर सके, वो फेल हो गए हैं, दैट्स वाई यहाँ पर टैक्स भी है, इसलिए हमने काउंट ए के फार्मूले के जरिए यहाँ पर बेसिकली हम अपना काम परफॉर्म करेंगे। फाइनली हमने एंटर किया, काउंट ए ने हमें बताया कि अलैन ने बेसिकली 2 एग्जाम्स अटैम्प्ट किए, और सिमिलरली अगर मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है कि बॉब ने कितने एग्जाम्स अटैम्प्ट किए, और फिर जो दूसरे तमाम स्टूडेंट्स हैं उन तमाम के जो भी एग्जाम्स उन्होंने जितने एग्जाम्स अटैम्प्ट किए उनकी डिटेल्स मेरे पास आ रही है। अगर मुझे ये देखना हो कि कितने स्टूडेंट्स ने बेसिकली ईच एग्जाम्स को बेसिकली अटैम्प्ट किया मैथ्स, इंग्लिश, आर्ट्स एंड हिस्ट्री के अंदर, तो हम सेम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, हमने तमाम नंबर्स को रेंज में दिया, तमाम सेल्स को रेंज में दिया, एंड देन एंटर। आपके पास रिजल्ट आ गया कि मैथ्स के अंदर टोटल 4 स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स अटैम्प्ट किए। सिमिलरली मैं इसे ट्रैक करता हूँ, इंग्लिश में 3 स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स अटैम्प्ट किए, आर्ट्स में 5, एंड हिस्ट्री के अंदर 2 स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स अटैम्प्ट किए। तो दिस वॉज द परफेक्ट आंसर, जिससे हमें पता चला कि काउंट ए और काउंट के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंसेस है और काउंट ए हमारी किस तरह से मदद कर सकता है।